अरे टोपी दे दे वो और... ना ना टोपी नहीं वैसे ही पड़ा टोपी ना चल गया जी बोले 12 से ज्यादा नाम है को लाया वो बाजरा देखो हम हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में और ये जो किसान है यहाँ पे ये भरतपुर के किसान हैं। हालात देश के क्या है ये हालात है कि ये अपना बाजरा और जो गेहूं है वो बेचने मंडी में जा रहे हैं। इनको सरकारी रेट पे एमएसपी का क्या रेट है अरे रुक जाओ भाई एमएसपी पे क्या रेट है जो जो रेट होती है सरकारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार ने तय कर रखा है उसका पता है नहीं पता नहीं। तो कैसे देश की तरक्की हो जाएगी। ये वो किसान है जो अपने खेत से जाए अपने गांव से जाए इनकी कोई खरीदारी नहीं है। बाजरा अब आप बाजार में जाओगे लेके अपने मंडी जा रहे तो आपको भाव भी नहीं पता कि क्या लगेगा इसका पता नहीं है। मतलब जो व्यापारी जिस रेट में खरीद रहा है सरकारी रेट है इसका 2175 रुपए के करीब। गेहूँ का रेट है 1975 रुपए। सुन लो ना एक मिनट सुन तो लो भाई अभी करोगे क्या सारी बात कर लेना। तो किसी को रेट का पता है कि बाजरे का सरकारी रेट क्या है ये सारे किसान है। ये लड़ाई ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भारत सरकार का 2100 रुपए से कम पे बाजरा नहीं बिकना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली में चल रही है गेहूँ 1975 रुपए से कम पे नहीं बिकना चाहिए ये लड़ाई है। ये ओरिजिनल लड़ाई है ये देश के किसानों की। इनको नहीं पता इनको ये तो अपना बांध कर लेकर चल दिए क्या इनका भाव बिकेगा। ये लड़ाई है पूरा देश बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी लुटेरी कंपनियां आ गई आपको इन कंपनियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सबको उठना पड़ेगा जो नौजवान साथी हैं जो बुजुर्गवार हैं सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये सरकार कानून बन जाए और ये 2100 रुपए से कम की आपकी फिर बाजार में खरीदनी होगी इसकी तो ये लड़ाई है जो दिल्ली में चल रही जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है जानकारी होगी उसकी चल नहीं है। दिल्ली में एक आंदोलन तो चल रहा है चल रहा है ना सुन रहे हैं तो ये उसी की लड़ाई है। ये तो देश का किसान कैसे आबाद हो जाएगा उनको सरकारी भाव का भी नहीं पता। अब आप एक काम कर रहा उनको ये कहना है कि जो भारत सरकार का रेट है उससे कम पे खरीद नहीं होगी। आप ये व्यापारी को कहना वहाँ पे देखो उससे कम पे खरीद नहीं होगी वे क्या कहेंगे प्रेस वालों को बुलाना वहीं बैठ जाना मंडी में ही देखो हमको जाना ही नहीं है। बुलवाओ वही सरपंच को ठीक बात। तो देश बर्बाद होगा भाई बच ही नहीं सकता अगर ये हालात किसान के होंगे ये हालात होगी देश तो ऐसे चल रहा है दुर्भाग्य ये है दुर्भाग्य भाई देश का। इस किसान को ना बिल का पता है अगर इसका भाव ठीक मिलेगा तो वो इसके लिए बिल है। सरकार के लोग कह रहे जी किसान को जाकर समझाएंगे अरे इसको आप भाव दे दो किसान अपने आप समझ जाएगा। मतलब लूट लिया पूरा देश का किसान पूरा देश का किसान लूट लिया सब बर्बाद कर दिया। 900 बिक रहा है 1100 से 900 से 1100 तक।